नमस्कार दर्शकों, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जागीरपुरी क्षेत्र से, जहां पर दो समुदाय के बीच दंगे होने की बात कही गई है। सूत्रों से जानकारी मिली, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकल रही थी शोभा यात्रा जुलूस। मस्जिद के सामने से निकलने के दौरान दंगाइयों ने छत पर चढ़कर पत्थर हमला किया। हमले में काफ़ी लोग घायल हो गए। दंगा बढ़ते देख पुलिस ने भी बीच बचाव किया। जागीरपुरी में हुए दंगों पर क्या कहना है कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का, सुनते हैं क्या उन्होंने सुहाग बनाने के लिए अपनी तरफ से जनता से अपील की। बने रहें हमारे साथ, AST न्यूज़, मनोज प्रजापति। जहांगीरपुरी में हुए भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में पथराव को लेकर जो तनाव पैदा हुआ है, मैं दिल्लीवासियों से और दोनों ही धर्म के लोगों से, वहां के लोगों से अपील करना चाहता हूं, दिल्लीवासियों से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की शांति स्थापित रहे, दिल्ली का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसे कोई बिगाड़ ना पाए। इसलिए अफवाहों पर ना जाएं, शांति कायम करने में अपना सहयोग दें। सब लोग मिलजुल करके तमाम सियासी दलों के भी नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस समय वक्त दिल्ली को बचाने का, दिल्ली के भाईचारे को बचाने का, बजाय हम इस तरह के ट्वीट करें जहाँ किसी भी पक्ष के व्यक्ति को आघात पहुँचे या वो ट्वीट इस तरह का आग में घी डालने का काम करे, उचित रहेगा। मिलजुल करके अपने पुलिस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली को बचाना है। और यदि कोई इसमें दोषी है तो पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, इसमें सख्ती से निपटे, दोषियों को बख्शा ना जाए। नॉर्थ ईस्ट की घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई, दिल्ली पे फिर एक कलंक लगा है, दिल्ली के भाईचारे पे कुठाराघात हुआ है। दिल्ली पहचान है, देश की राजधानी के साथ साथ तमाम समुदाय और जाति के लोग इस शहर में रहते हैं। इस शहर को बचाने की हाथ जोड़ के विनती है, आइए मिलकर इस शहर को बचाएं, शांति स्थापित करने की हम अपील करें। जय हिंद।